अगली खबर में बात करते हैं दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह परिहार एक बार फिर अपने विवादित बयान के चलते चर्चे में हैं। उन्होंने दमोह कलेक्टर को सबके सामने कहा, आंखें फूट गईं क्या कलेक्टर हो की ढोर। उन्होंने कलेक्टर के लिए बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्द का प्रयोग भी किया। कलेक्टर ने कहा कि विधायक ने ये सब प्लानिंग के तहत किया है, उनके खिलाफ FIR करवाऊंगा। विधायक रामबाई शुक्रवार को महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। दरअसल पथरिया विधानसभा के नरसिंहगढ़ में शुक्रवार को जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रमुख अधिकारी नहीं पहुंचे, यहां पर बहुत सारी महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर पहुंची थीं। विधायक रामबाई को इस बात पर गुस्सा आया तो वह उन महिलाओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। इसके बाद कलेक्टर को चैंबर से बाहर बुलाया और फिर उनका गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने महिलाओं की समस्याएं बताई तो कलेक्टर ने नियमों का हवाला देकर कार्रवाई करने की बात कही। कलेक्टर ने बार बार चेक करा लेंगे जैसे शब्द का उपयोग किया तो विधायक भड़क गई और उन्होंने अपना आपा खोते हुए कलेक्टर के लिए ढोर, बेवकूफ और बदतमीज जैसे शब्द उपयोग किए। विधायक रामबाई ने गुस्से में कहा कि क्या आपकी आंखें फूट गई हैं या फिर आप ढोर हो। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि तुझे 2 रुपए की अक्ल नहीं है। इस दौरान कलेक्टर विधायक की बात को अनसुना करते रहे और मौजूद महिलाओं से समस्या का समाधान का आश्वासन देते रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक ने बताया कि कलेक्टर AC चैंबर में बैठे रहते हैं, जनता परेशान है और 15 साल से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर आयोजित कर रहे हैं, लेकिन वह केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। कोई जवाबदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोगों को लेकर कलेक्ट्रेट आई थी। कलेक्टर को समस्या बताई तो वह बार बार कह रहे हैं जांच करा लेंगे, चेक करा लेंगे, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया। इस मामले में कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य का कहना है कि विधायक ने पूरे प्लानिंग के साथ यह हरकत की है, इसलिए वह उनके खिलाफ FIR करा रहे हैं। उन्होंने SP को इस मामले की जानकारी दे दी है। विधायक रामबाई की छवि एक दबंग विधायक के रूप में है, वो अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। इससे पहले भी वे इस तरह के बयान दे चुकी हैं। 7 महीने पहले रामबाई परिहार ने पुलिस को दबंगई दिखाई थी। यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा था कि ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं की तो वह खुद मैदान में उतर आएंगी। अपने घर पर चेक करा लूंगा, ये नहीं दिख रहा किसी को, बताइए चेक करा।